इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और हम एक छोटे से प्लैनेट पे रहते हैं जो अर्थ है, और ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे, उससे ज्यादा तो क्या ही जिएंगे। बस जितनी जिंदगी है ना इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, यही चाहते हैं कि ठीक तरीके से ये जिंदगी जी जाए, कोई गिल्ट ना रह जाए। मतलब कामयाब होकर जिए, कुछ खास जो करना चाहते हैं वो कर ले, वरना एवरेज लाइफ तो सब जी रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और वाकई में आप एवरेज से ऊपर जीना चाहते हैं तो ये समरी आप ही के लिए है। कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं समरी ऑफ 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ, जिसे लिखा है स्टीव चैंडलर ने। और इस जर्नी की शुरुआत करेंगे हम इस चैप्टर से, स्टे हंग्री, यानी अपनी भूख को बरकरार रखिए। लेकिन क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। ऑथर स्टीव चैंडलर पहली बार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से 1996 यानी कि 1996 में मिले थे। उन दोनों की मुलाकात एरिजोना के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। ये उस टाइम की बात है जब अर्नोल्ड अभी मशहूर नहीं हुए थे और कोई भी उन्हें नहीं पहचानता था। उन दिनों स्टीव लोकल न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट थे और उनके असाइनमेंट में अर्नोल्ड के साथ एक दिन बिताकर उनकी कहानी लिखना था। उन दिनों अर्नोल्ड अपनी पहली फिल्म स्टे हंग्री प्रमोट कर रहे थे, तो ये फिल्म मार्केट में फ्लॉप थी। फिर भी अर्नोल्ड खुश थे कि वो इस फिल्म में कास्ट हुए थे। रेस्टोरेंट में दोनों एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और साथ में स्टीव अपने सवाल पूछ रहे थे। ये तब की बात थी जब अर्नोल्ड बहुत ही यंग थे, जवान थे, और बॉडी बिल्डिंग में ढेर सारे अवार्ड जीत चुके थे। वे बहुत ही लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे थे। वे ऑस्ट्रिया में जन्मे थे और वहीं पर बड़े हुए थे, जिससे उनकी बातों में ऑस्ट्रिया का एक्सेंट रहता था और लोगों को ये बिल्कुल यकीन नहीं था कि वे मशहूर हो पाएंगे। स्टीव ने अर्नोल्ड से पूछा, अब आप मिस्टर यूनिवर्स बन गए हैं, आपका अगला प्लान क्या है? अर्नोल्ड ने जवाब दिया, मैं हॉलीवुड में सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस स्टार बनूंगा। ये सुनकर स्टीव को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अर्नोल्ड ने ये बात बस ऐसे ही कह दी थी, जैसे कोई छोटी मोटी बात कर रहे हैं। वैसे आप ये करेंगे कैसे, स्टीव ने पूछा। वैसे ही जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग में किया, मैंने अपने विजन को क्लियर रखते हुए सोच लिया कि मुझे क्या बनना है, और फिर मैंने ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे मैं वाकई में वही बन गया हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, अर्नोल्ड ने एक्सप्लेन किया। बॉडी बिल्डिंग के दिनों में अपनी सोच में अर्नोल्ड खुद को मिस्टर वर्ल्ड के स्टेज के बीच में खड़े होकर पोज करते हुए देखते थे। उन्होंने इसी गोल पर अपने फोकस को बनाए रखा और कड़ी मेहनत की, और आखिर में उसे हासिल भी कर लिया। स्टीव ने अपनी नोटबुक में अर्नोल्ड के इस जवाब को लिखा और इस बात को वो कभी नहीं भूले। कुछ सालों के बाद स्टीव ने न्यूज में सुना कि अर्नोल्ड की फिल्म टर्मिनेटर 2 पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 बन गई। अब पूरी दुनिया ही अर्नोल्ड को पहचानने लगी थी। स्टीव चैंडलर अपने ट्रेनिंग सेमिनार और स्पीकिंग इवेंट में अर्नोल्ड की कई बातों को बताते थे। स्टीव को याद था कि अर्नोल्ड ने कहा था, क्रिएट अ विजन, यानी कि आपको विजन मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप सपने देखते हैं तो आपको विजन बना लेनी चाहिए। हर सुबह ये सोचना चाहिए कि आपको अपने बिस्तर से क्यों उठना है और आपको अपनी जिंदगी में कुछ करने की भूख क्यों होनी चाहिए। आपको आज ही अपना विजन बना लेना चाहिए और इसके लिए ये सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए अपनी सोच में अपने विजन को तैयार करें और उसको जीना शुरू कर दे। तो जब तक आप अपने विजन के बारे में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, तब तक हम बात करते हैं आगे अगले चैप्टर की। अपनी सुस्ती को धीरे धीरे छोड़िए। हेनरी फोर्ड अपने एम्प्लॉयज से कहा करते थे कि कोई भी मुश्किल काम तब आसान हो जाता है जब उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है, बांट लिया जाता है। अगर आपके पास कोई काम है जिसे शुरू करने से आप डर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप इसे धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किचन साफ करना है या फिर आप अपने अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन कामों को आराम से धीरे धीरे करना शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ काम को शुरू करते हुए इसीलिए डर लगता है क्योंकि आपको लगता है कि इन कामों में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, पर कभी सोचा है कि अगर आप इन कामों को धीरे धीरे कर सके तो क्या हो, कम से कम आपका काम आगे तो बढ़ेगा और आप प्रोग्रेस करेंगे। इन कामों को करने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने टास्क धीरे से करते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाती है और आपका ये नेचुरल रिदम बन जाता है। फिर धीरे धीरे करके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि धीमी शुरुआत करना काम को बिल्कुल शुरू ना करने से बेहतर होता है। तो इस बहुत ही कमाल की लाइन के साथ कि धीमे शुरुआत करना शुरू कीजिए,
क्योंकि ये बिल्कुल शुरू ना करने से तो बहुत ही बेहतर है। तो इस बात पर गौर फरमाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब पूरा ध्यान लाते हैं इन तीन वर्ड्स पर, टीवी देखना छोड़िए। एग्जैक्टली, जब आप घंटों टीवी, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देखते हैं तो आप बस बैठे बैठे उन लोगों को देख रहे होते हैं जो अपने मन पसंद काम कर रहे हैं। क्या आप एक दिन के लिए टीवी और इन सब चीजों को बंद करके देखना चाहेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं? दूसरों के एक्सपीरियंसेस में अपनी लाइफ को मत ढूंढिए, खुद की लाइफ बनाइए। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, एक बात बताइए, एक सीन या कोई क्लिप या किसी वीडियो को याद कीजिए जो आपने पिछले महीने देखा हो, क्या आपको कुछ याद आया? अब किताब में पढ़े हुए किसी इंटरेस्टिंग से आइडिया को याद कीजिए। आप शायद पिछले महीने देखे हुए कोई भी प्रोग्राम याद ना कर पाए, बस आंखों के आगे से उन प्रोग्राम्स की थोड़ी थोड़ी झलक आ जाए, पर किताब में लिखी हुई लेसन आपको याद रहेगी। इसीलिए किताबें पढ़ना और सुनना आपकी जिंदगी पर अच्छा असर डालता है। टीवी पर कुकिंग शो, ट्रैवल ब्लॉग्स और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस को देखने के बजाय इन एक्टिविटीज को आप खुद क्यों नहीं करते? टीवी पर इनको देखकर जितना अच्छा लगता है उससे ज्यादा इन एक्टिविटीज को खुद करने में आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप खुद के बारे में बहुत अच्छा फील करेंगे। सिर्फ दूसरों को देखते हुए टाइम बिताने के बजाय आपको इन एक्सपीरियंसेस को लेना चाहिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा सोशल मीडिया से, टीवी से, और फिर जो होगा वो आप हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला चैप्टर कहता है कि बड़े वादे कीजिए। प्रॉमिस द मून, यानी कि खुद को चलाते रहने का एक और तरीका है, आप जिसकी कदर करते हैं उससे एक बड़ा प्रॉमिस कीजिए या फिर अपनी जॉब में बड़ा गोल बनाइए। इन वादों और गोल को अपने दिल से लगा करके रखिए और चैलेंज मानकर इन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। सालों पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने नेशनल टीवी पर बात की थी और प्रॉमिस किया कि अमेरिका चांद पर पहला इंसान भेजेगा। नासा के साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत की और अपना 100% देकर उस प्रॉमिस को पूरा किया। ये एक बहुत बड़ी सोच थी और अपोलो 13 एक कामयाब मिशन बन गई थी। एक बार लॉस वेगस के एक कसिनो के मालिक ने एक बड़े से बिलबोर्ड पर बैनर लगाने की जगह के लिए पैसे दिए थे। कसिनो के मालिक ने उस जगह पर ये लिखवाया कि अगर किसी ने अगले 3 महीनों में मुझे सिगरेट पीते हुए पकड़ा तो उसे $1,00,000 इनाम में मिलेंगे। इस कसिनो के मालिक को सिगरेट पीने की लत थी और वो इस लत से बाहर निकलना चाहता था। तो ये जो प्रॉमिस है ना, इसमें बहुत पावर होती है। अपने लोगों से किए हुए प्रॉमिस को आप तोड़ना नहीं चाहते हैं और इसे तोड़कर खुद भी निराश नहीं होना चाहते। इसीलिए प्रॉमिस करने पर आप एक्शन में आ जाते हैं। स्टीव चैंडलर ने एक बार अपने बच्चों से प्रॉमिस किया कि उनके बच्चों को समर कैंप जाना बहुत अच्छा लगता था और एरिजोना में एक ऐसा कैंप था जो बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर बना था। यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी फन एक्टिविटीज रखी गई थी। स्टीव के बच्चे इस कैंप में जाना चाहते थे लेकिन यहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। स्टीव के लिए सभी बच्चों को यहाँ ले जाना काफी महंगा था। जब स्टीव ने अपने बच्चों से इस कैंप में ले जाने का प्रॉमिस किया था तो उन दिनों उनका काम अच्छा चल रहा था, इसीलिए उन्हें यकीन था कि वो खर्चा उठा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का मौसम पास आया तो स्टीव की फैमिली का बजट टाइट होने लगा था। स्टीव को मिल रहे कमीशन के पैसे कम हो गए थे। फिर एक दिन स्टीव ने अपने बच्चों को बता दिया कि वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाएंगे। इस बात को सुनकर बच्चे बहुत निराश हुए। स्टीव अपने सबसे छोटे बच्चे के निराश चेहरे को नहीं भुला पाए। उनके 8 साल के बेटे बॉबी ने स्टीव से दुखी होकर कहा, लेकिन आपने तो वादा किया था। स्टीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बच्चों को निराश करके बहुत ही बुरा लगा। कुछ पलों के बाद स्टीव ने कहा कि तुमने मुझे याद दिलाया कि एक प्रॉमिस प्रॉमिस होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आज से मैं कोशिश करूंगा कि तुम सबको वहां ले जा पाऊं। आई एम सॉरी कि मैंने तुम लोगों को निराश किया। फिर क्या था, स्टीव ने अपनी जॉब बदल ली और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए और उनके पास बहुत सारे इवेंट्स की लाइन लग गई। इवेंट के साइनिंग अमाउंट के पैसों के लिए उन्होंने उतने ही पैसे मांगे जितने में उनके बच्चे समर कैंप ज्वाइन कर सके। और आखिरी में स्टीव ने वो कर डाला था जो वो करना चाहते थे। स्टीव को अपना प्रॉमिस रख पाने की बहुत खुशी हुई। तो बड़े प्रॉमिस करने के फायदे के बारे में जानने के बाद अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कहता है कि किसी के दिन को अच्छा बनाइए, मेक समबडीज डे। स्टीव चैंडलर का एक थ्योरी है जो कहता है कि अगर आप किसी दूसरे की जिंदगी में लक लाते हैं, भाग्य लाते हैं, तो आप भी लकी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी और को फाइनेंशियली तकलीफ में पाते हैं तो आप उसके एड्रेस पर बिना अपना नाम बताए जितना हो सके पैसे भेज दे।
स्टीव ने यही किया और कुछ दिनों के बाद उनको लकी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। ये देखकर वो हैरान ही रह गए थे। जरूरी नहीं है कि आप पैसों की ही मदद करें, आप खाना, कपड़ा या जिस चीज की भी जरूरत हो उसे देकर भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब आपके पास लक होता है तो आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारा यूनिवर्स ही आपके साथ है। आप स्टीव की थ्योरी ट्राई क्यों नहीं करते? चाहे आप एक सिंपल एम्प्लॉय है या फिर एक स्टूडेंट है, आपके पास दूसरों तक लक पहुंचाने के कई सारे रास्ते हैं। ये करते हुए आप कभी भी नेगेटिव ना सोचे कि लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे या आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप बस अपना काम करते रहिए, दूसरों की जिंदगी में लक भेजकर अपनी जिंदगी में लक लाइए। तो दूसरों के दिन को अच्छा बनाने के बाद अब बात करते हैं उस लाइन की जो बहुत ही मुश्किल है। चिंता छोड़िए, एक्शन लीजिए। लेकिन आपको ये करना ही होगा अगर आप बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हैं? अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो फौरन से आप एक्शन में आ जाइए। आप जिस बारे में चिंता कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर कीजिए। इस चिंता और परेशानी का कोई अंत नहीं, इसलिए खुद को परेशान होने से रोकिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपको कितना बुरा फील हो रहा है, आप कितना ज्यादा परेशान हैं। इसके बजाय आप ये सोचिए कि आप इस परेशानी को दूर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एक रात की बात है, स्टीव की अपने वाइफ के साथ बहस हो गई। अगली सुबह स्टीव को रात की कही बातों को याद करके काफी परेशानी हुई, पर अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टीव ने खुद को इस परेशानी से ज्यादा देर तक नहीं घेरे रखा। उन्होंने इस परेशानी से निकलने का सोच लिया था। उन्होंने अपनी चिंता छोड़कर एक्शन लेने के बारे में सोचा तो उनको कुछ आइडियाज आए। एक तो था कि वो अपनी वाइफ को फूल भेजते, दूसरा अपनी वाइफ को कॉल करते और माफी मांगते, तीसरा वाइफ के लिए नोट लिखते, चौथा कि वो खुद ही पर्सनली जाते और अपनी वाइफ से बात करते। स्टीव ने फिर अपनी वाइफ को मनाने के बारे में सोचना शुरू किया, ना कि बैठे बैठे सोचकर परेशान होते रहे। तो जब आप अपनी परेशानी और चिंताओं को बार बार सोचते हैं तो ये बढ़कर के बहुत बड़ी लगने लगती है, फिर आप इससे हार मान लेते हैं। स्टीव की दी हुई एक सजेशन है, अपनी सारी चिंताओं के कारणों को आप लिखकर लिस्ट बना लीजिए, फिर सभी को बारी बारी से 5 मिनट दीजिए ताकि आप उन पर एक्शन ले सके। इन 5 मिनट में आपकी चिंताएं खत्म तो नहीं होंगी, पर आप कम से कम इनको हल करने के लिए पहला कदम तो उठा ही लेंगे। इसी के साथ अगला चैप्टर कहता है कि गहरी सोच रखने वाले लोगों के साथ रहे, यानी कि रन विद द थिंकर्स। एक ऑफिस इक्विपमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट को एक प्रॉब्लम रहती थी। उनकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे थे जो बस शिकायत करते ही रहते थे। इनको रोकने के लिए उन्हें कुछ सोचना था। प्रेसिडेंट अपने मैनेजर्स की बात कर रहे थे जिनमें से कुछ खींचे ही रहते थे और कुछ गहरी सोच रखने वाले थे। तो ये खींचे हुए और परेशान लोग इंटेलिजेंट किस्म के थे। वे हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते और बहुत ही डेडिकेटेड थे। लेकिन जब भी ये लोग प्रेसिडेंट के पास जाते तो सिर्फ खींचते ही रहते थे और शिकायत करते रहते थे। ये लोग कंपनी के सिस्टम और दूसरे मैनेजर्स के काम को लेकर के शिकायत करते। इन लोगों के साथ मीटिंग करके प्रेसिडेंट थक जाते थे क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते थे। प्रेसिडेंट उन लोगों को खुश करते करते और मनाते मनाते खुद ही डिप्रेस्ड हो जाते। और बाकी मैनेजर्स गहरी सोच रखने वाले और समझदार थे, वो बिल्कुल अलग थे। वे भी उन परेशान मैनेजर्स की तरह ही प्रॉब्लम्स को जानते थे, पर वो सोल्यूशन भी लेकर आते थे। खिंचने वाले और परेशान मैनेजर्स को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। वे इसी परेशानी में ही अटक गए थे। उन्हें लगता था कि उनका परेशान होना और उनके रिएक्शंस बहुत ही जायज है। दूसरी तरफ समझदार लोग इन सब चिंताओं से ऊपर उठकर ये सोचना शुरू कर देते कि उन्हें कैसे इससे निकलना है। इसीलिए प्रेसिडेंट को इन समझदार मैनेजर्स के साथ मीटिंग करना पसंद था। वे उनसे कुछ नया और क्रिएटिव सीख पाते थे। वे मैनेजर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते कि प्रॉब्लम्स के क्या क्या सोल्यूशन होने चाहिए और इस सोल्यूशन को कैसे हमें लागू करना चाहिए। मीटिंग के बाद मैनेजर्स और प्रेसिडेंट को सबको अच्छा फील होता था क्योंकि वे प्रोडक्टिव होते थे। तो जरा सोचिए कि आप खिंचने और परेशान रहने वालों में से है या समझदारी से काम लेने वालों में से। अपने इमोशंस को अपने रास्ते में आने न दे, अपने माइंड को क्लियर कीजिए और सोचना शुरू कीजिए। सोचने से आपका सेल्फ स्टीम भी बढ़ता है और आपके रिलेशनशिप्स भी सुधरते हैं। इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चैप्टर की, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। अब ये कैसे करना है आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि क्या आपको अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है? आपके लिए एक एक्सरसाइज है। पेपर लीजिए और अपनी ताकत यानी कि अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरी को अलग अलग लिखिए।
अपनी स्ट्रेंथ यानी ताकत के बारे में सोचिए और एक एक करके उसकी लिस्ट बना लीजिए। अब आप इस लिस्ट को अपने किचन में या वर्क टेबल पर लगा दे। जब भी आप खराब मूड में हो तो इस लिस्ट पर नजर मारिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और अब बात करते हैं कमजोरियों की। इन्हें एक एक करके आप स्टडी कीजिए। ये सोचिए कि आपके नेगेटिव पॉइंट नहीं बल्कि आपकी विशेषताएं हैं। इन्हें अपने रास्ते की रुकावट ना माने और ना ही शर्म कीजिए। इन्हें तो बस अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मानिए। एक फेमस टैप डांसर हुआ करते थे जिनका नाम पेगलेग बेट्स था। वे अक्सर टीवी पर दिखाई देते थे। बचपन में उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा था जो कि उनके लिए बहुत ही दर्दनाक बात थी, क्योंकि वो एक डांसर बनना चाहते थे और ये उनका बहुत बड़ा सपना था। तो पैर खोने के बावजूद उनको एहसास हुआ कि वो पैरों के बिना अब भी एक डांसर बनना चाहते थे। उनके पैर न होना भी उन्हें नहीं रोक पाया। उन्होंने अपने लकड़ी के पैर में टैप लगवाया और बहुत प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उन्होंने टैप डांस डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऑडिशंस में वो बाकी सारे डांसर से बिल्कुल अलग ही दिख जाते थे और जज भी उन्हें नोटिस करते थे। इस तरीके से बेट्स ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। ठीक इसी तरीके से माइकल बेसॉफ एक मास्टर फंड रेजर थे। वे अपने एम्प्लॉयज को भी खुद ही की तरह स्किल फंड रेजर बनाने में माहिर थे। बेसॉफ कमजोरी को ताकत में बदलने में भरोसा करते थे। एक बार उन्हें एक सेक्रेटरी मिली जो कि बहुत ही शर्मीली थी, और बेसॉफ ने इस सेक्रेटरी को एहसास करवाया कि दूसरों को ध्यान से सुनना उसकी ताकत थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी पर दूसरों को ध्यान से सुनती थी। वो दूसरों को सुनती तो लोग खुश होते थे। तो स्टीव चैंडलर 35 की उम्र में पिता बने थे और उन्हें लगता था कि इन छोटे छोटे बच्चों के पिता के हिसाब से ये उम्र बहुत ही लेट थी। वे सोचते थे कि क्या उनके चार बच्चे उनके साथ बाहर निकलने में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो एक दिन स्टीव और उनके बच्चों ने द लिटिल मरमेट फिल्म देखी। स्टीव ने खुद को एरियल के पिता में देखा, क्योंकि एरियल के पिता भी बूढ़े थे पर वो एक बहुत ही शक्तिशाली और समझदार राजा थे। स्टीव को एहसास हुआ कि वे जब 25 साल के थे तब बिल्कुल भी मच्योर नहीं थे, इसीलिए 35 की उम्र ही सही टाइम है जब वो पिता होने की जिम्मेदारी को संभाल सकते थे। तो दुनिया में कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं जिसे आप अपनी ताकत नहीं बना सकते। बस आपको अपनी शर्म से बाहर निकलने की जरूरत है। ये जरूर एक मुश्किल काम है और आपको अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर अपनी कमजोरी पर जीत हासिल कर ली तो आप देखेंगे कि आपको इससे कितने सारे फायदे मिलते हैं। तो जब इतने सारे फायदे आपको मिल रहे हैं तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ अब अगली लाइन पर गौर फरमाइएगा। अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट लाइए। पुट मोर एंजॉयमेंट इन, मतलब कैसे और कब, मतलब ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। क्या आपको लगता है कि प्लेजर और एंजॉयमेंट एक ही बातें हैं? असल में ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। आपको इनके अंतर को जानना चाहिए जिससे आपकी लाइफ ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड होगी। प्लेजर का मतलब है वो जो आपको अपने आसपास की चीजों से मिलती है, जैसे कि खाना पीना। दूसरी ओर एंजॉयमेंट का मतलब ज्यादा गहरा होता है। मिहाई चिकसेंटमिहाई एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एंजॉयमेंट को एक फ्लो या बहाव बताया था। उनकी लिखी बेस्ट सेलर बुक में उन्होंने कहा कि जब आप किसी एक्टिविटी में लगे होते हैं तब आप एक फ्लो में बहने लगते हैं और आपको टाइम बीतने का पता ही नहीं चलता। इसलिए एंजॉयमेंट तब मिलता है जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसे आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और ये आप तब कर सकते हैं जब आप अपने स्किल को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं उन लोगों का जिन्होंने लॉटरी जीती है। उनको इसे जीतने पर प्लेजर मिलता है, वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन इससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। कुछ लॉटरी जीतने वाले लोग करोड़पति तो बन जाते हैं पर उनकी जिंदगी पहले से बेकार हो जाती है। दूसरी तरफ एंजॉयमेंट तब मिलती है जब पैसे बनाने के लिए एक सफर तय किया जाता है। रोज की मुश्किलों का सामना करना और इनको पार करना ही एंजॉयमेंट है। पैसा कमाने का स्ट्रगल आपसे पैसों की कदर करवाता है। दूसरा प्लेजर का एग्जाम्पल है टीवी देखना। आप घंटों टीवी देखते हैं पर आपको एहसास हो जाता है कि इससे कोई फायदा नहीं मिलता और आपकी जिंदगी में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि टीवी में देखे सारे शो को देखने के बाद हम इन्हें भूल जाते हैं। लेकिन अपनी फैमिली के लिए छुट्टियों में खाना बनाने से टीवी देखने को कंपेयर कीजिए। आपको खाने की तैयारी में काफी मेहनत करनी पड़ती है और आप थक भी जाते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपके मेहनत करने से आपकी पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय करेगी तो आपकी मेहनत सफल होगी। इसीलिए अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट डालिए। आपको चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और आप जो भी करते हैं उसे बेहतर तरीके से कीजिए। आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि गार्डनिंग, कुकिंग, पेंटिंग या फिर रनिंग,
आप बस उन्हें कीजिए और अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा अगली लाइन पर, बिना कारण के हंसे, लाफ फॉर नो रीजन। बहुत ही अजीब है ना सुनने में, लेकिन ये बहुत आसान भी है। आपको हंसने, डांस करने, गाने या फिर हंसने के लिए सही मूड का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। पूछिए क्यों? क्योंकि इन सबको करने के बाद आपका मूड खुद ही बन जाता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तब आपको खुद को मुस्कुराने या हंसने के लिए एनकरेज करना चाहिए। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा अगली लाइन पर, बिना कारण के हंसे, लाफ। वे सब एक सर्कल में बैठते हैं और गोंग कीजिए। तीसरा है, टीवी देखना छोड़िए, यानी कि किल योर टेलीविजन। दूसरों को मजे करते हुए मत देखिए, खुद ही फन एक्टिविटीज कर। और इसी के साथ ध्यान दीजिएगा अगली लाइन पर, बिना कारण के हंसे, लाफ फॉर नो रीजन। बहुत ही अजीब है ना सुनने में, लेकिन ये बहुत आसान भी है। आपको हंसने, डांस करने, गाने या फिर हंसने के लिए सही मूड का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। पूछिए क्यों? क्योंकि इन सबको करने के बाद आपका मूड खुद ही बन जाता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तब आपको खुद को मुस्कुराने या हंसने के लिए एनकरेज करना चाहिए। इससे आप अजीब तो लग सकते हैं, पर आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। वो छोटी सी हंसी या एक छोटी सी मुस्कान आपको बहुत ही बेहतर फील करा सकती है। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? इस गाने को हमेशा सुनने के लिए तैयार रहिए, ताकि आप जहां और जब भी जाए इस गाने को सुनकर आपका मूड हल्का हो जाए। वॉल्यूम को हाई कीजिए और साथ में गुनगुनाते रहिए। आप थोड़े बेवकूफ स्टूपिड फील कर सकते हैं, पर ऐसा करने से आपका कुछ नहीं जाता, बस आप गाते ही जाइए। थोड़ी देर बाद आपका मूड बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। क्या आपको पता है, जैन मंक्स, जो कि एक तरह के बौद्ध मंक होते हैं, वे मेडिटेशन में हंसने की भी प्रैक्टिस करते हैं। वे सब एक सर्कल में बैठते हैं और गोंग बजने पर हंसने लगते हैं। ऐसे हंसने की कोई वजह तो नहीं होती, फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो क्या आप इस सिचुएशन से कभी गुजरे हैं? आपके दोस्त जिस बात पर हंस रहे हैं, आप उस बात को नहीं जानते, फिर भी आप हंसना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी ऐसा करते हैं। आपने कभी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं? एक दूसरे की शक्ल देखते ही वो हंस पड़ते हैं और खुश हो जाते हैं। तो हंसना जो होता है वो कंटेजियस होता है, मतलब ये कि ये एक से दूसरे में फैल जाता है। क्या आपको हंसना पसंद नहीं? शुरू में आपकी हंसी थोड़ी सी सहमी सी होगी, पर धीरे धीरे ये जेन्युइन हंसी बन जाएगी। तो हंसने की प्रैक्टिस आप अभी से कर सकते हैं, राइट नाउ, बिना रीजन के हंसिए। चलिए, एक हमने डेमो तो कर ही लिया है, बाकी आप ट्राई करते रहिए। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। मुद्दा मामला ऐसा है कि आइए मोटिवेट होने के उन 10 तरीकों का हम रिकैप करते हैं। सबसे पहला है, स्टे हंग्री, यानी कि अपनी भूख को बरकरार रखिए। आप क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में अपने विजन को क्लियर रखें और उसे रोज जिए। दूसरा है, अपनी सुस्ती को धीरे धीरे छोड़िए। लाइट योर लेजी डायनामाइट, यानी कि अपने टास्क को धीरे धीरे ही सही मगर शुरू जरूर कीजिए। तीसरा है, टीवी देखना छोड़िए, यानी कि किल योर टेलीविजन। दूसरों को मजे करते हुए मत देखिए, खुद ही फन एक्टिविटीज करना शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा। नंबर 4 पर है, बड़े वादे कीजिए, प्रॉमिस द मून। कोई भी कमिटमेंट कीजिए और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। नंबर 5 पर आता है, किसी के दिन को अच्छा बनाइए, मेक समबडीज डे। अगर आप किसी और के दिन को बेहतर बनाएंगे तो आपका दिन भी बेहतर होगा, यानी कि आप किसी और के लिए लक लाएंगे तो आप भी लकी हो जाएंगे। नंबर 6 पर आता है, चिंता छोड़िए, एक्शन लीजिए, यानी कि रिप्लेस योर वरी विद एक्शन। परेशान रहने से बेहतर है छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना। और नंबर 7 पर आता है, गहरी सोच रखने वाले लोगों के साथ रहिए, रन विद द थिंकर्स, यानी कि समझदार लोगों के साथ रहे, अपने इमोशन से उबरिए, माइंड को क्लियर कीजिए और सॉल्यूशंस निकालिए। नंबर 8 पर आता है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए, एक्सप्लॉइट योर वीकनेस, यानी कि अपनी कमजोरी से शर्माइए मत, ये कमजोरी आपको यूनिक बनाती है और आपको फायदा भी दे सकती है। और नंबर 9 पर आता है, अपनी जिंदगी में आनंद लाइए, पुट मोर एंजॉयमेंट इन, यानी कि चैलेंज ही एक एक्टिविटी को एंजॉयमेंट के लायक बनाती है। चैलेंजेस को फेस कीजिए और अपनी स्किल को अगले लेवल तक ले जाइए। और आगे आखिरी है नंबर 10 पर, बिन बात के हंसे, लाफ फॉर नो रीजन। आपको हंसने, मुस्कुराने, नाचने, गाने के लिए किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सब एक्टिविटीज को करने पर आपका मूड ही बन जाएगा।
चाहो तो अभी के अभी आप अपना फेवरेट गाना गुनगुना कर देख सकते हैं और बता दीजिए कैसा फील हुआ। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों से आप बेहतर फील कर रहे हैं। आपके पास आगे पढ़ने का कुछ ना कुछ बहाना तो है, लेकिन आगे बढ़िए और कुछ कीजिए। याद रखिए, कल जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपको आज पर फोकस करना है और आप आज जो करेंगे वही आपकी कल की तकदीर बनेगी, राइट? और ये सारा काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स आपको इस समरी में मिल गए हैं और काफी सारे लोगों की कहानियां भी मिल गई है कि लोगों ने कैसे किया। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि रूबी ये ना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब एक भी इंसान ने किया है ना तो आप और मैं तो कर सकते हैं, पक्की और सच्ची बात है। इसी बात पर ये समरी यहीं पर खत्म होती है। जल्दी जल्दी मुझे लिखकर बताइए समरी कैसी लगी, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी कहानी अच्छी लगी, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, या इंस्टेंट आपने कौन कौन सी चीजें की। देखो मैंने हंसने वाला तो किया और गाने गुनगुनाने वाला मैं एकदम समरी खत्म करके करने वाली हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ ले हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। और जब आपको रीजन हमने दे ही दिया है समरी के थ्रू, फिर तो देरम देरी बिल्कुल नहीं बनती। तो लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और